हमारा नहारा है, बकरू हमारा नहारा है, पापा बकरू को नहला रहे हैं। है बकरू बड़ा शरीफ। और है नाजुक पला। यहाँ पर अनु बाजी ने ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हैं, छुहरा है, काजू बादाम है, हरी इलायची है और ये चिरौंजी है। ठीक है, तो बस अब हम इन सबको धीरे धीरे करके डालेंगे। बनाने का प्रोसेस आज आपको बिल्कुल नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि बहुत बिजी। दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है, बहुत देर से बॉईल हो रहा है, तो बस अब मैं इसे उतारने वाली हूँ क्योंकि मैंने इसके अंदर बिल्कुल नम मात्र का पानी डाला था, बिल्कुल नम मात्र का। और यहाँ पर मेरे दही बड़े बन रहे हैं गर्मा गर्म, तो बस जल्दी जल्दी लगे पड़े क्योंकि लेट ऑलरेडी हो चुकी है। हम लोगों को दिन पूरा निकल गया है, आपको देखा पूरा दिन निकल चुका है। बस आई भैया आते होंगे, मैं इसके सामने नाम नहीं ले रही, बकरों के सामने। तो यहाँ मैंने सेवैया निकाल रही हैं, दूध में चीनी पड़ चुकी है तो मैं अब डालने चली हूँ। इसकी बारी होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जिंसुवर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मेरे बीच अच्छा डर लगता है बकरों से, क्योंकि बकरू जब भी मैं आती हूँ ना ये यहीं आ जाता है, जबकि मैंने अपनी सेफ्टी के लिए चेयर लगाई हुई है। ये इधर इसे किसने बांध दिया भाई? बकरू तो मान नहीं रहा है, मुझे हो रही है बहुत लेट, तो मैं जल्दी से अपना इधर की मैं ये डाल रही हूँ। जानवर मम्मा सच में कुछ नहीं कहता, आप क्यों डर रहे हो? मुझे तो लगता है बाकी सबसे तो डर लगता है, मगर बकरे से क्यों ये बताओ? मुझे तो लगता है भाई, मुझे तो लगता है भाई। अच्छा ये सींग मार देता है? हाँ, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि सींग मार देगा, लेकिन ये सींग मारता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और देखना इसको, ये देखो डर नहीं लगेगा? ये क्या कर रहा है? वाह 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 वाह, मस्ती सींग। तो जी ईद के दिन का नाश्ता कर रहे हैं। एक्चुअली ये मैंने आयरू के लिए मंगाया, बच्चों का थोड़ा सा ऐसे ही रहता है। वैसे ये भी है हमारे ईद के दिन घर में एक नाश्ता आता है, वो है बाजार का और वो होते हैं यहाँ के फेमस ब्रेड पकौड़े। ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी अंदर से, ये राजीव के जैसे जिसका हम समोसा खाते ना उसके ब्रेड पकौड़े हैं। माई गॉड, गर्मा गर्म कितने टेस्टी। तो ये भी खाएँगे और ये भी खाएँगे और जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं फिर मिलेंगे। ज़्यादा अच्छे हैं। ये हमारे शीर, ये और ये रहे दही बड़े। ठीक, अब इसे लगाओ इसे स्टैंड में। तो जी मैं आपको अपनी शीर नहीं दिखा पाई थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें से शीर कम हो चुकी है, अभी कितने लोग खा भी चुके हैं। और ये आयशा बाजी है ना, उनको मैंने टिफ़िन बना के दिया था, तो ये जहाँ तक निशान है ना यहाँ तक की थी, बट कोई बात नहीं, शीर मेरी अच्छी बनी है। और मैं आपको दही बड़े भी दिखाती हूँ। दही बड़े को क्या होता है, पानी में से निकाल के निचोड़ के रखना होता है, तो यहाँ पर मैंने रख दिए थे, अभी वो कम हुए और जैसे कि शीर का मामला था वैसे ही कर दिया। और यहाँ पर ये पानी में डूबे रखे हैं, इनको निचोड़ के और इसमें रख दूँगी और फ्रिज में रखवाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत है। हालांकि भैया के कमरे में ठंडा के एसी है, बट स्टिल फ्रिज की बात फ्रिज की होती है ना, तो जितने ज़्यादा फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं वो हम स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी तैयार है, ये है मटर पनीर और ये क्या है, क्या बोलते हैं इसे, मखाना, मटर पनीर मखाना की सब्ज़ी मम्मी के लिए अलग निकाल दी है। और ये हमारी सब्ज़ी है, थोड़ी ठंडी करने रखी है फिर खाएंगे। बच्चों सब नन्ना से ईदी लो, ये तो दोनों बिल्कुल एक जैसी लग रही है, जुड़वा। अस्सलाम वालेकुम करो, पारी तो करानी पड़ेगी लिबू आपको भी। प्लीज
लिबो पापा से बात करिए, दादू से बात करिए, किसी से। और कहीं आएगा पकड़ा के लाओ। आयरा अभी गई है बाजी के यहाँ, आ रही है, आ रही है। ये तो है जी। अच्छा, थैंक यू। अब अच्छा, और पता है बनाए कितने? 1 किलो के। हम उसे सब कह रहे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा जितने कहेंगी, अरे बाप, जितना कहेंगी उतने ही बनाऊंगी, मम्मी को खुश करूंगी। तो यहाँ पर आए हैं सब बच्चे मिलने के लिए, और सब बच्चे अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हाँ जी भाई, जोया। आप स्काई को, आप शिफा हैं, शनाया हैं, आप कौन है? पीहू हैं। ओके, और आप दोनों कौन है? लिवा, और आप भी लिवा। आपका नाम क्या है और आप कौन है? इनायत की ड्रेस दिखाने दो मुझे, इनायत की इतनी सुंदर लग रही है। और सभी बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। सब बच्चे अपनी अपनी ड्रेस दिखाओ भैया, खड़े हो के एक एक करके। ये पीहू की, ये शनायु की, ये क्या नाम था आपका? शिफा। ये शिफू की, और ये स्काई की। और ये हमारी रफ एंड टफ सबसे प्यारी जोया। चलो चलो, अब आप लोग क्या क्या खाओगे ये बताओ। अरे आप नानी के पास आओ। अच्छा, ये दी ले लो पहले। चलो पहले काम की बात कर लो, उसके बाद। अभी बिजी चल रही है बहन। टिकट क्या दे दूँ? अभी दूंगी। हाँ, ये तो सही कह रहे, बहुत तंगे हो जाएंगे। वो तो सुबह से पीछे पड़ रही है मेरे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। इतना कुछ करके भी एक गलती हो गई। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? किन्नु आए, किसके साथ है? अच्छा, क्यों, कहाँ से बुलावा आ गया? हमारा भी आ गया ना। अच्छा, गोश आ गया आपका? आ गया, आने वाला है। करे अच्छा, अच्छा अच्छा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ, और ये दोबारा तैयार हो गए, दोबारा रिफ्रेश हुए, और मैं अभी ही तैयार हुई हूँ। और टाइम बच गया 6। एक्चुअली मैंने बीच में ना आराम कर लिया, इसलिए मुझे लेट हो गई है। तो काम तो खैर जल्दी ख़त्म हो गया था, लेकिन बस ये था कि मैं आराम कर रही थी। मैंने कहा मैं बाद में ही तैयार होंगी। और ये रही मेरी आयरू। आयरू, तो आप एक्साइटेड हैं? ये पता है क्यों एक्साइटेड है, मैं आपको बता दूँ। मम्मा अपनी कहानी तो बंद कर दो, वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हैं इनसे। वो पीछे रखा है यार, स्टॉप कर देना। हाँ, तो ये लोग एक्साइटेड इसलिए, इन्हें एक नकली से मेले लेके जा रही हूँ। जब हम बहुत निक्के निक्के थे ना, तब हम जाया करते थे, मुझे भी बड़ी खुशी होती थी उस मेले की। लेकिन वो बिल्कुल ही नकली और ऐसा मेला, मैं थोड़ा थोड़ा झलकी कोशिश करूँगी, मैं थोड़ी थोड़ी झलकी कोशिश करूँगी आप लोगों को उसकी दिखाने की। वैसे बहुत ही हाँ नकली, मतलब उसमें कोई ऐसे बड़े बड़े झूले नहीं होते, ऐसे छोटे छोटे पी 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 वाले झूले होते। ज़्यादा अच्छा मेला नहीं है, ऐसी नकली सा है लेके जा रही हूँ। लेकिन खैर, बस वहाँ पर ना थोड़ी छिछोरापंती ज़्यादा होती। हाँ, हाँ, पापा ने एक बार मुझे एक, मुझे तो कोई छेड़ेगा नहीं मेरा साइज देख के। तुम बात करो अपनी। मैंने छेड़ दिया? तुम्हें तो छेड़ देगा ना, तुमको थक गई हूँ। नहीं, अब अच्छी लग रही। और मम्मी ईदी दे रही है हम लोगों को, तो चलो देखते हैं। मम्मी ईदी देती हैं आज, काफ़ी सालों बाद ईद घर की मना रहे हैं। मुझे बात करना, घर की ईद मना रहे हैं, तो मम्मी से ईदी लेंगे और हम सब तैयार हैं। मैनू कितनी प्यारी लग रही हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। आप अपना पूरा सूट दिखा, आप यहाँ खड़े हो।
ये मैनू का पूरा सूट है एंड दिस इज हाउ मेनाज लुक। बहुत ही नाइस, मैं फोटो नहीं खींच रही जो आप इतना स्टाइल मार रही हैं। आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं, सभी अच्छे लग रहे हैं। नहीं नहीं, ओ मम्मी ईदी, मम्मी ईदी लेके बैठी है, किसकी है ये? ओहो बेटे भाई, जय और अली मंगाए देते। ये देखो, ये होता है इंसान इंसान का फर्क। कितने सारे हमारे कपड़े और बच्चों के कपड़े, चुप और पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। अभी तो ये भाजी इंसान इंसान का फर्क है, अभी हमारा नंबर आएगा तो देखना। कैसे सच में मौका मिला। अपने ससुराल वालों की शक्लें देख लो, वो लोग तो ऐसे लग रहे जैसे कुछ है नहीं, ये तो काम पे भी निकल रहे। ये कह रहे मैं ना अरे ईद की नमाज के लिए, मैंने कहा अगर चक्कर लगता तो लगा देते। कह रहे ईद की नमाज के लिए रुक गया। ओह माय गॉड, हां वीडियो बन रही है। हां हां वीडियो बन रही है। चलो भाई, ये सब मेरी छोटी सी बढ़िया है, अभी ये बेचारी बीमार पड़ी है। फिर ये आप ही का इंतजार कर रहे थे कि लेट तैयार हूं मैं, तो अभी अभी आ नहीं पाई है। जब आएंगे तो आप लोगों को दिखा देंगे अभी भी, लेकिन अभी हम ही लोग हैं तो बस हमने कहा चलो आप कर ही लेते हैं। फिर आगे वो होली भी इधर आना, जरा लिबू की लुक देखिए, लिबू देखिए, आयशा को देखिए, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आके बैठी है। हेलो कंटेनर, इनायतों को देखिए जरा, इनायतों कितना प्यारा लग रहा है। ये मेरी गड़िया की फूल है। हाँ हेलो भाई, अभी खड़ी है मम्मा। हाँ नंबर इसके लिए तो 50 मैं नहीं मिलूंगी, मैं नहीं मिलूंगी। अभी देखा अरबी जी, देखा अरबी, अरबी पहली ईदी मिल रही है और ये पहली आ रही है शायद। था ऐसे क्यों कहते हो? नहीं नहीं, हमें कौन कहते हैं यहाँ पे आपके से नहीं तो ईदी मिली है भाई, ईदी नहीं मिली है। तो ये दुआ करो कि मम्मी हमेशा सलामत रहे। लेकिन अगली बार गोलगप्पे का पानी जरूर। चलो 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 चलो, क्यों घूमना है हमारी चिकन मछली की तरह घूम रहा है, ना घूम रही है। तो जाओ मिल लो, दोनों सेंटी हो रही है, मिल लो। आप इधर इधर देखिए, आप सेंटी क्यों हो रही हैं? अनु जी, अनु जी, अनु जी, चमन की बन रहा है। कितना घर ऐसा लग रहा है जैसे कि सुबह से हाय हाय चाय चाय चू चू, इतना अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा पता कितने पैसे उड़ा चुके हैं अब तक, लेकिन तब भी इतना खुश है कि पूरा घर हरा भरा लग रहा है। अरे पैसा क्या है, हाथ का मेहर है। इसको तो 10 रुपए दे दो, इसको 100 रुपए। हाँ बोलेगा चिड़िया, बोले चिड़िया, नहीं उसको 100 रुपए क्यों? देखो जी, एक्सपोर्ट हुआ हुआ माल की वैल्यू ज्यादा है। हाँ वो भी एक्सपोर्ट ही हुई है, आप लोकल है। ये तो ये पापा सुबह से कह रहे हैं ये मोटी मुझसे पैसे लिए जा रही है, कहाँ ले जा रही है, कहाँ जा रहे तो बाबू उसमें से मैं एक भी पैसा इधर उधर नहीं करा। तो हमें पता ही है कि आप इधर उधर करोगे नहीं, वो तो उनको पापा को तो होला रहता है। हमारा प्लान कामयाब, जय और अली बुलाए थे ये मन गई।
आमीन। चलो एक फोटो खिंचवाते हैं गर्ल्स, मम्मी के साथ एक फोटो खिंचवाते हैं। अनु क्यों रो रही हो इतना, क्यों इतना दिल भर रहा है तुम्हारा, क्या हुआ कुछ तो अनु? अनु व्हाट इज गोइंग ऑन, क्यों रो रही है? उधर बड़ी फूल कुमारी रो रही थी, इधर छोटी फूल कुमारी। क्या हो गया, कितने सेंटी क्यों हो रही हो क्या तुमने? बस क्या हुआ? अरे यार ये सोच रही हो कि मायके में आए तो ये दी मेरे घर में 500 रुपए? नहीं नहीं वो ये नहीं सोच रही, हम सब ये सोचते हैं कि जो घर ऐसा हो गया अल्लाह तक ठीक ठीक घर में कोई चिराग जलाने में ऐसी आए अल्लाह पाक कि इस घर को जैसा मेरा चमन था ना वैसा ही चमन कर, एक तो बर्बाद करके चली गई, अब आए तो जरा अल्लाह रहम करना। बस मैं क्या कहूँ, सब अच्छा हो माशाल्लाह। क्या सुबह से आप क्या भूल गई, क्या खाने के पास? ओ माय गॉड, ईद मुबारक। मिनाज ने ईद दिए, सब अलग अलग से अलग अलग। ईद मुबारक माशाल्लाह। ओ लिबू थैंक यू बोलो। ओ माय गॉड चॉकलेट्स, वाओ वाओ जाएगी, तब आप खुद ही देना आपको को। चॉकलेट अब मिल गई, पर्स पर्स नहीं है, पर्स नहीं है। एक्चुअली मैं इनके पर्स लाना भूल गई भाई, मैं और सुबह से वो मुझसे पर्स की कह रही। ठीक है इसी में रखना, थैंक यू मैनू, बहुत ही क्यूट है, बहुत क्यूट है। हाँ 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 चुकी है पाउच, बड़े क्यूट क्यूट है, बहुत ही। ओ लो आयरा की तो खुल भी गई, आयरा तो खाना भी शुरू कर दिया। आपके पास भी मिला है? ठीक है, मैंने केजी ने सबको दिया है। बस बहुत ही ब्यूटीफुल और क्यूट सा गिफ्ट है, और बहुत ही ज़रूरी मेरे लिए तो गिफ्ट आया है। ओहो सुबह से कितना गुस्सा हो चुकी है वो मुझसे, कितनी बार मैं आपसे बात नहीं कर रही। ये दी मिलने आई हैं बीमार होके, तुम्हारे लिए ईद मनाने आए थे। अच्छा लग रहा है, थैंक यू। चलो मैं भी मिलूं, अब बैठ जाऊंगा पीछे से। हाँ खान सिस्टर्स, खान सिस्टर्स पूरा दिन साइड में रहती थी, तो वो भी कैसे सूझ रही है वो एक हाथ दिखा ना। गाइस देखो मम्मा का हाथ, ये देखिए बहुत सुंदर।